हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब फैमिली ए सी क्रिएटिव कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ ब्लाउज नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 4 इंच चौड़े और 11 इंच लंबे बुकरम को लिया है और इस पर सबसे पहले हम ऊपर 2.5 इंच के निशान लगाएंगे और नीचे 2.5 इंच के निशान लगाएंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए हम इसका एक बॉक्स जैसा बनाएंगे। और इस बुकरम पे मुझे 10 इंच लंबे ब्लाउज डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक निशान 3 इंच पे लगाया और दूसरा निशान मैंने 4.25 इंच की चौड़ाई पे लगाया है, क्योंकि मुझे इतने ही चौड़े ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना है और इससे ज़्यादा मुझे चौड़ा नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ पर एक गोल निशान बनाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस ब्लाउज डिज़ाइन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें बनाना है और इसको मैंने इसके बाद में थोड़ा सा डार्क कर लिया है। और इसके बाद में हमें इसकी बाहर साइड भी 1/2 इंचेस की चौड़ा एक निशान लगाना है और बाद में हमको इसे कट करना है। तो देखिए, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करके ही इस ब्लाउज डिज़ाइन को बना पाएंगे, क्योंकि नेक डिज़ाइन जो होती है वो बनाना इतना ईजी नहीं होता है और जो स्टार्टिंग पे जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। बट ऐसे प्रैक्टिस धीमे धीमे करते हुए ये आसानी से आ जाता है और फिर बाद में लोग बहुत अच्छी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो देखिए, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और देखिए, मैंने इस तरह से ब्लाउज़ के नेक का डिज़ाइन कट कर लिया और इसके बाद में हम इसकी बाहर साइड से भी कटिंग करेंगे और इसे हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया और ऊपर साइड मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बुकरम था उसको कट कर लिया है। तो देखिए, ये नेक डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार हुई है और अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने बुकरम यूज़ किया है पेस्टिंग वाला बुकरम है और एक बुकरम आता है उस पर साइड में पीछे साइड में जो रहता है वो पेस्टिंग नहीं रहती है, वो हमें इस पर सिलना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा यही बुकरम यूज़ करती हूँ, आप भी ऐसे ही बुकरम को यूज़ करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर नाप लिया है कि हमारा ये 5 इंच होना चाहिए। उसके बाद में हमने सारे जितने भी हमारे निशान उनको बराबर से रख लिया है और उसके बाद में हमें प्रेस गर्म करके इसके ऊपर प्रेस करना है। एंड फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा आयरन को गर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होने से ये कपड़े पे जब हम प्रेस करते हैं तो कपड़ा हमारा सिकुड़ जाता है और पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। इसलिए प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म करना है। और इस तरह से हम प्रेस कर करके अगर इस पर आयरन करेंगे तो हमारा ये जो बुकरम होता है वो अच्छे से इस पर पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से पूरे में पेस्ट कर लिया है और देखिए, ये हमारा नेक बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद में हम ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया और उसके बाद में नीचे वाले मार्किंग पे मिलाते हुए हमने इसका सेंटर निकाल लिया। और उसके बाद में हम इसके साइड में जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम छोटे छोटे से इसमें कट लगाएंगे। तो कट लगाने से बेनिफिट ये होता है कि जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली फोल्ड हो जाता है और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हम इस पर कट करेंगे। और आइए अब हम मशीन पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको मशीन पे इस तरह से साइड साइड से फोल्ड करके इस पर एकदम किनारे किनारे पे हमको मशीन चलानी है। तो देखिए, मशीन हमें एकदम साइड से चलानी है, बहुत ज़्यादा एक चापे के अंतर पे हमें मशीन चलानी है। और देखिए, इस तरह से हम इस पर चापा उठाएंगे और घुमा के फिर से इस पर मशीन चलाएंगे। और देखिए, कट करने से ये बेनिफिट हो रहा है कि हमें कपड़े पर देखिए पीछे साइड में झोल नहीं आ रहा है या थोड़े कोई भी रिंकल्स नहीं आ रहे, या आराम से बहुत ही अच्छे से ये फोल्ड होता जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पूरे में मशीन चला लेनी है। सो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से मैंने पूरी में मशीन चला ली है। और मशीन चलाने के बाद में हमें इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से पूरी में मैंने मशीन चला ली है। ये देखिए, और इसके बाद में जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिए हुए इस पूरे कपड़े को हमें कट कर देना है। तो देखिए, कट करने के बाद में कितनी फिनिशिंग आई है और अंदर साइड में ज़्यादा कपड़ा भी नहीं इकट्ठा हुआ है और बहुत ही सफाई के साथ में। और जब ये इसको हम उस पर अपने ब्लाउज पे अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये अटैच हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए, हम ऊपर साइड में इस तरह से 1/2 इंच पे निशान दोनों साइड लगा लेंगे और इन दोनों साइड को मिला लेंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच पे ही कंधे अटैच करनी होती है। तो हम 1/2 इंच ही ऊपर कपड़ा रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें हटा देना है। और इसके बाद में हम इस पर सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने छोटा सा कट कर लिया, इससे हमें सेंटर मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे हमारा सेंटर है। और इसके बाद में देखिए हमको इससे अपने ब्लाउज़ पे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मैं ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज़ को बीच से फोल्ड करेंगे और बीच में मिल्टन चाक से निशान पूरे में लगा लेंगे और ऊपर हमें कट लगा लेंगे, तो हमें पीछे साइड में भी इसका सेंटर मिल जाएगा। और हमें इसी सेंटर पे ही अपने जो हमने नेक की डिज़ाइन कट की है उसको रखना है। तो देखिए इसके बाद में हम सबसे पहले इस तरह से रखेंगे। तो देखिए हमारा जो नेक है इसकी भी हम राइट साइड को अंदर करेंगे और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसके भी हम राइट साइड को भी अंदर सेट करेंगे। तो दोनों अंदर अंदर के साइड में दोनों राइट साइड रहेंगे और ऊपर साइड में हमारे उल्टा साइड रहेंगे। और इसके बाद में हम पिन से इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से ये होता है कि हमारा जो नेक है वो अपनी जगह से हटेगा नहीं और हमें सिलने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए इसके बाद में हम इसमें साइड साइड में मशीन चलाएंगे। मशीन में बहुत बड़ा टाका नहीं चलाना है, मीडियम टाका चलाना है। और ध्यान रहे कि बुकरम के ऊपर हमारी मशीन नहीं चढ़नी चाहिए और बुकरम के एकदम पास पास से ही हमें मशीन चलानी है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने चैनल पे लाइनिंग कैसे अटैच की जाती है मेन फैब्रिक पे इसकी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वीडियो में इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उस वीडियो की लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं कि कैसे बहुत ही आसानी से मैंने उसमें तीन तरीके बताए हैं, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद में हमने पूरे नेक पे इस तरह से मशीन चला दी और इसके बाद हम सारे नीडल्स को हटा देंगे। और अब इसके बाद में हमें इसमें कटिंग करनी है, तो कटिंग हम हाफ इंच पे करेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है हमें। और ध्यान रहे कि हमें कटिंग इस हिसाब से करनी है कि हमारा कपड़ा ना कटने पाए, जो मेन हमारा कपड़ा है जो धागे में सिलन की है वो धागे ना कटने पाए, तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ में हमें इसमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कट करके ये अंदर वाला कपड़ा पूरा हटा दिया है। और अब हम इस पर छोटे छोटे से कट्स करेंगे, और कट्स करने के लिए आप अपनी कैंची का यूज़ कर सकती हैं या इस तरह के कटर का भी यूज़ कर सकती हैं, तो इससे आसानी से आप कट लगा लेंगे। और देखिए इसके बाद में जो हमारे इसके कॉर्नर है उनको हमें बाहर साइड निकालने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है, और आप भी इस तरह से पेचकस का या किसी पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स को बाहर निकालेंगे और फिर इसके बाद में पूरी नेक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हमें फिर मशीन चलानी है। तो देखिए मैंने इसमें कपड़े को फोल्ड कर लिया है, नेक को अंदर साइड फोल्ड कर लिया है, और अब हम इस पर मशीन चलाएंगे। और मशीन हमें कच्ची साइज चलानी है क्योंकि अभी हम इसमें लास्ट में तुरपन करेंगे और बाद में हमें सिलन को खोलना रहेगा, तो इस पर हम कच्चे ही मशीन चलाएंगे, बड़ा टाका चला देंगे, 5 नंबर की हमें इस पर सिलन चलानी है। तो देखिए हमारा नेक बन के तैयार हो गया है, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इस पर लेस लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास जो ये लेसेस आती हैं दो तरीके से आती हैं। तो देखिए इसमें जो मोतियों के बाद में कपड़ा दिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए हुए, और इसमें देखिए कपड़ा बहुत कम है। तो आप जब भी इस तरीके के लेसेस खरीदें, मोतियों वाली लेस खरीदें या लटकन वाली लेस खरीदें, तो उस पर ध्यान रखें कि जिस पर चौड़ा कपड़ा दिए होते वही आपको खरीदनी है, और ये पतली वाली नहीं खरीदनी, क्योंकि पतली वाली खरीदने पर आप हम जब उस पर लगाते हैं सिलन करते हैं तो सिलन हो नहीं पाती, इसके लिए हमें इसका फुटर चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी फोटो चेंज करने के बाद में भी उतनी फिनिशिंग नहीं आती और हमारी मोतियाँ टूट जाती हैं बीच में, तो इसलिए ध्यान रहे कि आप जब भी लेस खरीदें तो ऐसी वाली लेस खरीदें जिसमें थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा दिए होते हैं। प्राइस दोनों का सेम टू सेम ही रहता है, प्राइस में कोई अंतर नहीं रहता है, तो आप यही वाली लेसेस खरीदें ताकि आपको सिलाई करने में बहुत ही आसानी हो। तो फ्रेंड्स जब भी आप लेस खरीदें तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और प्राइस दोनों के सेम टू सेम ही रहते हैं, प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, तो आप ऐसी लेस खरीदें जिससे हमें सिलाई करने में आसानी रहे। और देखिए लेस लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इसके 3-4 मोतियों को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम कंधे अटैच करेंगे और जहाँ पे कंधे अटैच कर रहे हैं वहाँ पे मोतियों का कोई काम नहीं रहता है, और मोतियाँ बाद में हमें तोड़नी पड़ती हैं, तो पहले हम इसको हटा देंगे। और इसका जो धागा रहता है मोतियों वाला इसको हम इसमें 1-2 राउंड फोल्ड करके तब करेंगे, जिससे हमारे धागा हटे ना और बाद में ऐसा ना हो कि हमारी मोतियाँ निकल जाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोतियाँ निकल जाती है। तो देखिए इस तरह से हमें करना है, और इसके बाद में हमें पूरे नेक में इस तरह से लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, इसमें सिर्फ आप पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करना था तो मैंने इसमें इस मोती वाले लेस का यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी रखेंगे, सिंपल भी रखेंगे तो अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से हमने पूरे में ये लेस लगा दी है, और क्योंकि इसमें चौड़ा कपड़ा लगा हुआ था तो देखिए बहुत ही आसानी से लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम पूरे नेक में ये लेस अटैच कर देंगे। तो देखिए ये मोतीली लेस लग चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब ये। और इसके बाद में हम इसके ऊपर पतली लेस लगाएंगे, जिससे हमने जो मोती वाली लेस लगाने के टाइम पे जो सिलन की वो हमारी सिलन छूट जाए
और थोड़ा सा लुक भी इसका अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास ये देखिए पतली लेस है, तो गोल्डन कलर की लेस है, इसका मैंने यूज़ किया है। और देखिए आप, मेरा ब्लाउज भी गोल्डन कलर का है और मैंने इसमें लेस भी गोल्डन कलर ही यूज़ की है। आप कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये साड़ी की मैचिंग के आप इसमें लेस लगा सकते हैं। मैंने इसमें गोल्डन ही लगाया है, गोल्डन भी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में देखिए इसमें हमने लेस लगा दी है, और लेस जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि लेस को बहुत खींचना नहीं, थोड़ा सा हमें इसमें फोल्ड करके तभी लगाना है, अदरवाइज इसमें खिंचाव जैसा आ जाएगा तो डिज़ाइन हमारी ख़राब हो जाएगी, डिज़ाइन का लुक चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और इसमें पूरे में हमें लेस लगा देनी है। और मैंने देखिए एक लेस लगाने के बाद में दूसरी थोड़ी सी दूरी से लेस लगा दी, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाए और भी डिज़ाइन निखर के आए। तो इसके लिए मैंने इसमें ये देखिए वही लेस जो हमारी है उसी को मैंने थोड़ा सा दूरी से लगा दिया है। और जब भी आप इस तरह से एक्स्ट्रा लेस लगाएं तो ये ध्यान रखें कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो दूरी है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि इक्वल ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताना ना भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।